पिछले एक साल से तैयारी चल रही थी कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया जाएगा इंडिया में, तो वो अभी वो टाइम आ गया है जबकि स्कॉर्पियो एन लॉन्च हो चुकी है। अब इसकी बुकिंग भी कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाली है, कुछ लोग इसे खरीदेंगे, लेकिन हमें अभी इसी का रिव्यू मिल रहा है। कुछ लोग जो प्रमोशन के साथ साथ इसका रिव्यू भी दे रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसकी ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग तभी मिलेगी तब ये किसी दिलदार ड्राइवर के हाथ में चली जाए। अभी एक महीने बाद इसकी सेलिंग स्टार्ट होगी। यहाँ हम बात करने वाले हैं दोनों की ऑफ रोडिंग, स्कॉर्पियो एन और पुराने वाली स्कॉर्पियो की ऑफ रोडिंग के बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें आपको वाटर ऑफ रोडिंग और मड ऑफ रोडिंग, लेकिन हमें अभी तक केवल कंपनी द्वारा की गई ऑफ रोडिंग ही दिखाई जा रही है। चलिए दोनों गाड़ियों की ऑफ रोडिंग को शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। ऑफ रोडिंग में मेन रोल होता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का। तो पुरानी वाली स्कॉर्पियो की 209 mm जबकि नई वाली स्कॉर्पियो की 187 mm ही है। फर्क साफ दिखता है। दोनों स्कॉर्पियो ही 5-door SUV में रियर व्हील ड्राइव एंड 4x4 में मिलती है। स्कॉर्पियो एन की ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण ये ऑफ रोडिंग में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। ऑफ रोडिंग में मेन रोल होता है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस का, इसी कारण SUV ही ऑफ रोड कर पाती है। लेकिन स्कॉर्पियो एन की ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm और पुरानी वाली स्कॉर्पियो की ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm होने के कारण में इतना बड़ा डिस्टेंस आ जाता है कि ये न्यू वाली स्कॉर्पियो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। मेरी तरफ से अगर बात की जाए दोनों गाड़ियों में ऑफ रोडिंग बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो मेरा तो मानना यही है कि पुरानी स्कॉर्पियो ही इसको टक्कर दे सकती है। ये गाड़ी हर जगह हर ट्रैक को आसानी से पार कर पाती है। आपका दोनों गाड़ियों के बारे में क्या कहना है और कौन सी गाड़ी आपको बेस्ट लगती है ऑफ रोडिंग या किसी भी लेवल को लेकर, आपको अदर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक हमने इसकी सेफ्टी के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाई, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ये लिख देना, हम आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के वेरियंट और प्राइस की। स्कॉर्पियो एन की प्राइस 12 लाख से 19.5 लाख तक चली जाएगी, लेकिन यह वेरियंट के आधार पर रहेगा। हमें अभी इसी के टॉप सेलिंग की जानकारी बाद में मिलेगी कि कौन कितने खरीद रहे हैं, कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बिक रहा है। लेकिन पुराने वाले स्कॉर्पियो हमें 13.5 लाख से 19 लाख तक प्रोवाइड कराई जाती है। स्कॉर्पियो एन में Z2 से Z8 लग्जरी डीजल तक हमें लगभग 9 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ओल्ड स्कॉर्पियो में हमें S3+ से S11+ तक कई वेरिएंट देखने को मिलेंगे, लेकिन ओल्ड स्कॉर्पियो में S11 ही इसकी टॉप सेलिंग है। आज तक सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार स्कॉर्पियो S11 है स्कॉर्पियो के वेरिएंट में। अब आपको कौन सी कार पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।